हेलो फ्रेंड, शिवांगीज किचन न्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गुलगुले की रेसिपी, जो कि हमने बनाई है जंगल में। वन देवी की पूजा की मैंने यहाँ पे, तो इसके लिए मैंने प्रसाद के रूप में गुलगुले बनाए। गुलगुले और रोट वगैरह चूरमा जो होता है वो देवियों का, देवताओं का पसंदीदा प्रसाद होता है, तो वही मैंने यहाँ पर बनाए। और ये जंगल में है बिल्कुल, तो यहाँ पे हमने पहले दो पत्थर लिए, उनसे चूल्हा बनाया। लकड़ियाँ हम घर से लेके आए थे। और यहाँ पे ये मेरे साथ है मेरी बहन, ताऊ जी की लड़की, और पीछे से मेरी बुआ जी बैठ रखी हैं, और भी बच्चे हमारे साथ आए हैं, तो एक तरीके से पिकनिक भी हो गया। और हमने वन देवी की पूजा की, यहीं पे हमारे इष्ट देवता नागराजा का मंदिर भी है, तो वहाँ पे भी हमने पूजा अर्चना की, और बहुत मन को शांति मिलती है। जैसे कि हम शहरों से गांव में जाते हैं तो गांव में बड़ा ही सुकून होता है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये दो पत्थर लिए हमने, इनसे चूल्हा। धरती हमारा गढ़वाल की, कटघरों के निशानी जा, ओ कटघरों के निशानी जा, कटघरों के निशानी जा, धरती हमारा गढ़वाल की, धरती हमारा गढ़वाल। तो ये यहाँ पे हमारे एक चाचा जी हैं गांव के ही, और वो गाय के साथ आ रखे थे यहाँ पे गायों को चराने के लिए। तो वो बोल रहे थे, मैंने देखा कि तुम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, तो मैं भी आ गया तुम्हारी हेल्प करने के लिए। बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं ये चाचा जी। तो वो पत्ते होते हैं ना जो जंगल में, जिनमें हम खाना खाते हैं, वो पत्ते अपने आप लेके आ गए वहाँ से, और लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठा करके हमारे साथ हमारी हेल्प की, चूल्हा अच्छे से लगाया। तो बहुत ही अच्छा नेचर है इनका। जब हम बचपन में भी रहते थे गांव में, तो इनका मतलब बहुत अच्छा व्यवहार रहता बच्चों के साथ। तो अभी भी वही चाचा जी आ गए और लकड़ियाँ लेके भी आए, बहुत अच्छा लगा हमें। ये पत्ते भी वही लाए यहाँ पे वो गुलगुले खाने के लिए। तो इस तरीके से अच्छा लगता है गांव में, सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। और बच्चों का भी, जैसे हम बचपन में भी गाय के साथ जाते थे जंगल में, तो इस तरीके से हम जो बड़े होते थे वो बच्चों का ध्यान भी रखते थे, कहीं गाय इधर उधर चले गई तो। तो ये हमारा पानी बन गया है गुलगुले का, और ये हमारी सभा है यहाँ, ये सारे देखो ये सारे, और ये हमारे इतने अच्छे चाचा जी हैं। ये नहीं आते तो हमारी आग ही नहीं जल रही थी। अब चाचा जी तो कहीं, हम पहले से पूजा पाठ करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मंदिर भी है, बहुत ही खूबसूरत ये हमारे। और ये देखिए, ये यहाँ से बैल भी आ गए, ये यहाँ पे भी पूजा हो रही है। यहाँ का नज़ारा देखिए आप। ए चाचा मार दो तो नहीं, देखिए मुड़ी बस पड़ा का धरना पुरो में। तो यहाँ पे हमारे गुड़ का पानी बन के तैयार हो गया है, और बर्तन भी हम कम ही लाए, तो इसीलिए उसमें हमने गुड़ का पानी तैयार किया, और इसी में हम उसका मिक्सचर बनाएंगे। तो थोड़ा पानी ठंडा हो जाए, फिर हम उसमें आटा डाल के, और केले भी ला रखे हैं, तो केला और आटा डाल के हम उसके गुलगुले बनाएंगे। गुलगुले की रेसिपी तो मैंने बहुत बार डाल रखी है अपने चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन ये जंगल में बना रहे हैं तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ। वैसे रेसिपी तो आपको सीखने के लिए पहले से मैंने डाल रखी है। तो ये देखिए जंगल का व्यू बहुत ही सुंदर, और ये जहाँ पे ये छाया है इसके बगल में, मतलब आम का पेड़ है, बहुत बड़ा आम का पेड़, तो उसकी छाया आ गई यहाँ पे रोड में, तो उसी के नीचे हम खाना बना रहे हैं। और दूसरी साइड से दूसरे कोई और भी आए थे पूजा करने, तो जहाँ पे अच्छी जगह थी हम पहले आ गए थे, तो वहाँ पे हमने बना ली। वो ऊपर की साइड वो झूला देखिए आप, वो भी बना रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, जब भी गांव जाते हैं तो गांव में हम अपने वन देवता, कुल देवता, इष्ट देवता की पूजा ज़रूर करते हैं, क्योंकि 2-3 साल में आना जाना होता है, तो इसलिए वो लोग भी बाहर ही से आ रखे थे, तो वो भी पूजा करने आए थे यहाँ पे। तो ये देखिए सब बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पे पानी ठंडा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे आटा, और वो केले ला रखे मैंने, जो केले। और एक बात होती है जंगल में, जैसे कैसा भी खाना बनाओ ना, जो घर में टेस्टी नहीं लगता वो जंगल में पता नहीं कैसे बहुत स्वादिष्ट लगता है,
जंगल की हवा पानी इतनी स्वच्छ साफ होती है कि वो हवा पानी से ही खाना स्वादिष्ट बन जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको गुड़ के पानी को ठंडा कर रही हूँ, फिर डाल दूँगी इसमें आटा और केली। जब हम बचपन में जंगल जाते थे, छोटे छोटे बच्चे 8-9-10 साल के तो जाते थे, बड़े भी होते थे, बच्चे भी होते थे, घास लकड़ी और जानवरों को चराने के लिए, तो वन देवता ही हमारे रक्षा करते हैं। तो ये सुहानी है मेरी जान, रुत ये सुहानी है के सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है, के सर्दी से डर कैसा संग गर्म। धरती हमारा गढ़वाल की कट्टरों के निशानी का, ये